देवी, माँ संतोषी का परम भक्त अब तक पृथ्वी लोक पे जन्मा ही नहीं। हो सकता है वो परम भक्त जन्म ले चुका हो। मनुष्य के मस्तक से असंतोष और ईर्ष्या की भावना कभी नहीं मिट सकती। यदि इस बच्चे के मन में ऐसा कोई भाव है, शीघ्र ही वो नष्ट होने वाला है। माँ, आप ही हमारे बच्चे की रक्षा करना। तरह सर पे खड़े खड़े घास खा रहे हो, क्या हुआ? वो क्या है खरास। संतोषी की माँ थी ना, तो सुबह सुबह चाय बना देती थी, गला भी साफ और पेट भी साफ हो जाता। लेकिन अब वो संतोषी की माँ मरी है, संतोषी तो अभी जिंदा है ना, बना के देगी वो चाय। अभी बोलते हैं आए कमल, टिनुआ आजा 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 आजा, और ले ली। और ये महारानी उठी कि नहीं उठी है? भैया जिज्जी, दिन चढ़ाया है और ई मैडम अभी तक नींद लोग की सैर पर है। जिज्जी कुछ करो ना। देख अभी मजा चखाते हैं। बस अब नींद टूट गई हो तो सबके लिए चाय बना दो। चाय? हाँ चाय, तेरी माँ ने सिखाया नहीं क्या? चल सबके लिए चाय बना। पहले जाके दूध निकाल, फिर चाय बनाना। हमारी लाडो, हम हम बताते हैं। इन चुड़ैलों ने तो जीना हराम कर दिया हमारी बच्ची का। काम अंतर फूंक रही है माताजी इसके कान में। अरे कुछ तो रहम करो, बेचारी बच्ची है, कैसे दूध निकालेगी? कैसे भी निकाले, तुम सिखा दो। और वैसे भी हम कुछ गलत ना कर रहे हैं। अब जब हम सब अपना काम कर रहे हैं तो जे ना करेगी अपनी माँ के हिस्से का काम। वैसे भी अम्मा जी, गाय का दूध निकालना और सुबह की चाय बनाना, ये दोनों ही काम मजली जिज्जी किया करती। छोड़ बेटा, छोड़ इन्हें, चल हम दिखाते हैं तुम्हें दूध कैसे निकालते हैं। बात करेगी हमारी। अरे हाय, जितना बनाया नहीं उससे ज्यादा तो बहा दिया। कब सीखेगी रसोई के तौर तरीके? अरे बहू, एक ही दिन में वो अन्नपूर्णा नहीं हो जाएगी, बच्ची है। तू अंदर जा, हम निकाल कर लाते हैं चाय सबके लिए। जो भी लाता है लाओ चाय। चाचा चाय। ए, पगलेट, दूसरी कौन देगा? मधु, बिस्कुट, ताते, जल्दी। ताई जी, चाय। ला, चाय पियोगे? जल्दी करो। आ रहे हैं। क्या अब क्या नजर लगा के हमारी चाय को तेजाब करेगी? जा, बोतल में दूध डाल के लल्ला को पिला, तो दूध का टाइम हो गया। दूध रोटी खा ले तो तेरा रंग भी निखर जाएगा, गोरा गोरा। ले ले ले। नहीं खाना है। कैसे नहीं खाना मेरी रानी? सब तभी तो कहेंगे देखो देखो बिट्टू रानी राजकुमारी है। नहीं खाना बोला ना एक बार। खा ले मेरी राजकुमारी। शाबाश मेरी लाडो। ताई जी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ऐसी कैसी आग लगी है रे तेरे पेट में जो बर्दाश्त ही नहीं हो रही? देख रही है ना बिट्टू दीदी को खिला रही हूँ। रुक जा थोड़ी देर मेरी राजकुमारी। भूख लगी थी ना तुझे? ऐसे क्या देख रही है? अन्य का अपमान नहीं करना चाहिए। अब तेरी माँ होती तो वो भी यही कहती ना। ठीक है बड़ी बहू। अरे शर्म करो, जब इसके माँ बाप जिंदा थे तो उन्होंने कितनी अच्छी तरह से तुम लोगों की देखभाल की थी, उसका तुम ये बदला दे रही हो? इस तरह से देखभाल कर रही हो इस बच्ची की? खाने को तो दे रही हूँ ना। कोई बात नहीं दादी, खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब बिट्टू दीदी ने छोड़ दिया तो हम खा लेते हैं। ज्ञान देने आई थी, आपसे समझदार तो ये बित्ते भर की है। अरे गुड्डू बेटा, स्कूल जाना है, जल्दी कर, देरी हो रही है। जल्दी जल्दी खा ले, स्कूल भी तो जाना है। सुनता ही नहीं है लड़का। देखो बाल, बिट्टू 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 रुक लाडू, तो बाल नहीं बनाए अभी। अरे यार दया क्या कर रहे हैं? हाय दया, काम पे जा रहे हैं। अरे खाने का डब्बा नहीं लेके जाएंगे? अरे बाहर खा लेंगे, हो सके तो दोपहर में घर आ जाइएगा। हाँ हाँ खराब कर, तो जा रहे हैं। हाँ हाँ खाने को आ जाना। आ जाएंगे। अच्छे से पढ़ाई करना है, और मास्टर जी जो काम दे वो वही खत्म कर देना, शिकायत का मौका नहीं होना चाहिए। ठीक है माँ। ओए रिक्शा आ गया, रिक्शा चलो चलो। अच्छा संतोषी कहाँ है? वो नहीं आएगी क्या? नहीं जा रही है संतोषी, तुम जाओ, बच्चों को देर हो रही है। टाटा टाटा टाटा। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? हमें भी स्कूल जाना है। अरे महारानी कहाँ चली? घर का सारा काम छोड़कर। वो चाची हमारे स्कूल तो घर के जूठे बर्तन और झाड़ू पोछा कौन करेगा? तुम्हारा मरा हुआ बाप या तुम्हारी अम्मा? और जो ये झोला पकड़ के स्कूल पढ़ने जा रही हो ना, तो फीस कौन भरेगा? एक चुड़ैलो। चुड़ैलो, इसके माँ बाप का हिस्सा लेकर बैठी हुई हो और बोल रही हो फीस कौन देगा? अरे तुम ये भी तो यही रहती है ना, और सारा सामान भी तो इस्तेमाल करती है हमसे ज्यादा। हम तो इसलिए काम वाम सिखा रहे ताकि अच्छे घर में शादी हो जाए। संतोषी बेटा चल, घर का पहले सारा काम खत्म कर लो, फिर स्कूल चली जाना। ठीक है, हम पहले हमारा काम खत्म कर देते, फिर बाद में स्कूल जाएंगे, वो भी पूरी करके। एफर्ट करके चली जाना। हाँ चलो। ले बर्तन साफ कर दे। वो चाची हमारा काम हो गया। ऐसे कैसे काम हो गया? अभी हमारे घर का तो काम बाकी है। तो ताई से ज्यादा प्यार करती है चाची से नहीं। साफ साफ धोना बर्तन। चलो काम हो। गंदा कर देगी कपड़ा। अब हम स्कूल जाए। हाँ जा बेटा, बेटा जा जा। माँ माँ, अरे बच्चे आ गए, आ गए। अब कहाँ जाएगी? स्कूल की तो छुट्टी हो गई। मास्टर जी पूछ रहे थे तुझे, कल जाएगी तो बहुत धुलाई होगी तेरी। देखा चाची, आप लोग की वजह से मेरी स्कूल छूट गई। हाय दया, लड़की की जबान तो देखो जीजी। नहीं चाची, तुम सही तो कह रहे। चुप, आवाज मत निकालना। हाँ? मास्टर नहीं बनी पड़ी है हमारे सामने। निकाल ये बस्ता, आज से तेरा स्कूल जाना बंद। यही रहेगी इसी घर में, सारा घर का काम करेगी। अच्छा चल, मजा हुआ काम करेगी। नारायण नारायण, माते माते ये कैसी परीक्षा ले रही हैं आप इस मासूम की माते? आशा करते हैं माते कि इसके मन में आस्था और संतोष की भावना हमेशा बनी रहे माते, और अंत में सब अच्छा हो। आप निश्चिंत रहिए देवऋषि, सब अच्छा ही होगा। हमारी छोटी संतोषी को जल्द से जल्द बड़ा कर दे और डॉक्टर बना दे। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? दादी, पापा कहते थे विद्या और ज्ञान का जीवन में बहुत महत्व होता है, इसलिए रोज स्कूल जाना चाहिए। हमें क्यों रोका? आगे बढ़ाई कैसे करूँगी? मेरी गुड़िया रानी, पापा ने तुझे मुश्किलों से लड़ने की भी सीख दी थी, उन्हें कभी नहीं भूलना बेटा। जिंदगी में कभी कभी हालात बुरे होते हैं, पर जीत उन्हीं की होती है जिन्हें उन हालात से लड़ना आता है, और भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं बेटा जो अपनी मदद आप करते हैं। दादी, हमें आगे पढ़ना है, और बिना मास्टर जी के हम कैसे पढ़ पाएंगे? देख बेटा, महाभारत की कहानी याद है ना तुझे? उसमें अखलव ने भी धनुष बाण की विद्या बिना किसी गुरु के सीखी थी। वो अर्जुन से भी बड़ा महान धनुषधारी बना, और तुम्हें भी आसपास की चीजों से जिंदगी के पाठ सीखने होंगे बेटा। और सबसे बड़ी बात बेटा, अपनी संतोषी माँ पर भरोसा रखो, उन्होंने कुछ ना कुछ तेरे लिए जरूर सोच के रखा होगा। ए संतोषी, ये पकड़ मेरे बुक्स और मेरा होमवर्क कर दे। ये मास्टर जी को बिला पता नहीं क्या बीमारी है, ऐसे भर भर के होमवर्क देते कि हमसे कभी होता ही नहीं। और सुन, हमारा भी कर देना, वरना गुस्सा मार के मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। गुड्डू बेटा, तेरी छोटी बहन है, उससे प्यार से बात कर। तुम चुप रहो दादी, समझी संतोषी? काम कर देना, वरना बता रहे चोटी में पटाखा बांध देंगे तुम्हारे। जैसे माँ बाप वैसी औलाद। संतोषी, तुझे इनका काम करने की कोई जरूरत नहीं। तो दादी, आपने तो कहा था एकलव्य ने तो बिना गुरु के ही तो विद्या पाई थी, होमवर्क करके हमारी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। नारायण नारायण। सत्य है माते, आपकी महिमा अपरंपार है।